हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल। जैसे मैं लास्ट ब्लॉग में आप सबको दिखाई थी, मैं फर्स्ट टाइम गई थी श्री रानी सती देवी जी के मंगल पाठ उत्सव में, जो कि सुंदरगढ़ में हो रहा था। और ये उसी दिन का कंटिन्यू वीडियो है। बीच बीच में ऐसे डांस सब हो रहा था, ये गंगा माता का एक डांस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली रानी सती माता जो है, उनका यहाँ पर पूरा स्टोरी दिखाया गया है, पूरा एक्ट करके इतना सुंदर दिखाया गया, मैं क्या बोलूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम जाकर अटेंड की थी, तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या होगा। बस इतना पता था कि रानी सती देवी जी का मंगल पाठ हो रहा है, तो हमें जाना है। मुझे नहीं पता था कि ये इसी दिन होता है, और सब जगह पे जहाँ जहाँ पे होता है इसी दिन, एक ही दिन में होता है, मुझे नहीं पता था। वो भी पता चला, और यहाँ पर शिव जी और गंगा माता का इतना सुंदर सॉन्ग चल रहा था, लेकिन क्या करें, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में दे दी हूँ, लेकिन यहाँ पर देने से ना कॉपीराइट आ गया था, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा, इसीलिए मैं उसको काट के बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत सुंदर गाना था, मानो तो मैं गंगा, मानो ना मानो तो बहता पानी, ये वाला सॉन्ग था, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे देखिए शिव जी उनको अपने कांधे पे बिठा के लेके, जैसे चंद्रमा पे गंगा जी ऐसे बैठे रहते हैं ना पानी के माध्यम से, तो हमारी जो गंगा माता उनके हाथ से भी पानी निकल रहा था, बहुत अच्छे से वो लोग प्रिपेयर किए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए शिव जी और पार्वती माता का भी डांस हुआ, कृष्ण जी का जब डांस हुआ मैं बिल्कुल दे दूँगी वहाँ पे, यहाँ पे पार्वती और शिव जी का बहुत सुंदर डांस हुआ था। उसके बाद कृष्ण जी जब आएंगे वो चूड़ी बेचेंगे सबको, और इतना सुंदर वो किए थे ना, इतना सुंदर सब में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करें। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का माहौल, जैसे सती माता कैसे पैदा हुई, उसके बाद उनका स्कूल गई, फिर उनका शादी भी हुआ, वो सब भी थोड़ा थोड़ा मैं शूट की। लास्ट तक तो मैं नहीं रुकी, बहुत देरी हो गया था, लेकिन जितना रुकी उतना शूट की, वो सारा डिटेल्स शेयर कर दी थी, उनकी शादी के टाइम का भी जो मतलब शादी वाला सीक्वेंस वो सब यहाँ पे है, बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट कॉल मिले थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई शूट। और इसके बाद चलिए दिखाती हूँ कृष्ण जी का डांस। उसके बाद सती माता जी का उनका जो शादी हुआ था, उससे पहले जो हल्दी लगाते हैं, ये वाला हल्दी लगा रहे थे सबको, माता रानी को लगाने के बाद जितने भी लेडीज़ थे सबको हल्दी लगाए, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करने में। और देखिए मुझे भी आके हल्दी लगाए, अच्छा लगा। और जैसे हल्दी रसम, मेहंदी रसम होता है, जो जो रसम होता है सब यहाँ पर मतलब होगा, तो ये हल्दी सबको लगा रहे थे लेके, देखिए माता रानी का, और मुझे भी फिर से लगाए, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे शादी में हर रसम होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर सारा रसम
हो रहा था। और ये देखिए हम लोग ये फ़ोटो उठाए थे ममता भाभी के साथ, क्योंकि भाभी ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया था। और यहाँ पे अभी चल रहा है मेहंदी रसम, तो मेहंदी में जैसे डांस करते हैं लेडीज़ लोग ना, वैसे जाके आगे डांस कर रहे थे और सब लोगों को एक एक मेहंदी दिया जा रहा था। जब बर्थडे हुआ मिठाई बांटा गया, चॉकलेट दिया गया, जब स्कूल गया पेंसिल बॉक्स पेंसिल सब लोगों को दिया गया, जिस जिस प्रोग्राम हो रहा था उसी चीज़ माता रानी को ये करके सब दे रहे थे। कृष्ण जी जैसे चूड़ी दे रहे थे। और यहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे शूट करने के लिए, और ये देखिए मेहंदी सबको दे रहे हैं ऐसे, हमको भी मेहंदी दिए, मुझे भी दिए, मैं भी लेके आई थी मेहंदी। और ये देखिए सब लोग कैसे ले रहे हैं, मतलब आशीर्वाद है माता रानी का, उसी के हिसाब से ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का माहौल। देखिए वहाँ पर डांस चल रहा है मेहंदी का, और मेहंदी भी सबको लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बाराती स्टार्ट हो चुका है, ये लड़की लोग इधर डांस कर रहे हैं, दुल्हन भी उधर मतलब रेडी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है डांस का, शादी का डांस बाराती। देखिए दुल्हन पीछे खड़ी है, तो देखिएगा बाराती अभी कैसे आ रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ सब बरमाला सब।
पसंद होगी दान हो जाए। और ये लास्ट में देखिए मोर डांस हो रहा है, मतलब राधा कृष्ण का मोर डांस। इतना सुंदर लग रहा था ये वाला, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। यहाँ पे सिंदूर भी दे रहे थे, देखिए शादी के बाद सिंदूर रस्म हुआ, उसके बाद सब लेडीज़ लोगों को सिंदूर बांटा जा रहा था। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ढेर सारा प्यार दीजिए, माता रानी का ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता कि ऐसा भी प्रोग्राम होता है तो उन लोगों को पता चलना चाहिए। अगर आपको और भी जानना है रानी सती माता के बारे में, दादी के बारे में, तो आप सर्च करके सब पता कर सकते हैं, उनका स्टोरी पूरा दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।